तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिग बॉस जरूर कोई ना कोई चाल चलेंगे। अभी तक नेजी को आगे बढ़ाया जा रहा था, रणवीर को आगे बढ़ाया जा रहा था, लेकिन अब बिग बॉस ने एक ऐसी चाल चली है कटारे को घर से बेघर करने के लिए कि उन्होंने वोट करने की अपील तो की है, लेकिन उन्होंने सवाल जो है वो थोड़ा टेढ़ा कर दिया है। अब ऐसे में लोग कंफ्यूज हो सकते हैं और अगर कटारिया को वोट करेंगे तो कटारिया घर से बेघर हो जाएंगे। जी हाँ, कटारिया को वोट अभी नहीं करना है। अभी आप जाएंगे तो टेक ओवर का ऑप्शन आ रहा है, लाइव जो फीड चल रही है वहां पर, और सबसे पहले चेहरा आ रहा है अरमान मलिक का, फिर कटारिया का, फिर साई केतन राव का, और उसके बाद सना मकबूल का आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप कटारिया को वोट करेंगे तो कटारिया घर से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि सवाल लिखा हुआ है कि जो सदस्य नॉमिनेटेड हैं उनमें से आप किसे घर से बेघर करना चाहते हैं। तो क्या आप कटारिया को बेघर करना चाहते हैं? अगर आप कटारिया को निकालना चाहते हैं तो ही कटारिया पर क्लिक करिएगा, नहीं तो आप उन सदस्य पर क्लिक करिए जिन्हें आप घर के अंदर नहीं देखना चाहते, जिन्हें आप घर से बेघर करना चाहते हैं। तो कटारिया को अगर सपोर्ट करना है तो यहाँ पर कटारिया पर क्लिक नहीं करना है, किसी और पर करना है जिससे आप घर से बेघर करना चाहते हैं। तो एल्विश आर्मी जो है वो काफी परेशान हो रही थी, बहुत सारे मैसेज हमारे पास आ रहे थे कि आप बता दीजिए कि बिग बॉस ने कोई झोल कर दिया है, बिग बॉस ने चाल चल दी है, साजिश रच दी है। तो इसलिए हमने सोचा कि चलिए एल्विश आर्मी के लिए एक काम तो कर ही सकते हैं। तो हमने आपको बता दिया कि कैसे वोट करना है, अगर आप सवाल ढंग से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको वोट कैसे करना है। वहीं एल्विश यादव ने भी बताया है कि वोट कैसे करना है, क्योंकि जो एक कंफ्यूजन बिग बॉस की तरफ से पैदा किया गया है, क्योंकि अभी आपने देखा मीटअप में कितने सारे लोग आए थे, अब कटारिया को समर्थन मिलता जा रहा है, उनके समर्थक बढ़ते जा रहे हैं, एल्विश आर्मी कटारिया के सपोर्ट में आ गई है, तो स्क्रिप्टेड विनर को भी तो जिताना है, इसीलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके और किसी न किसी तरीके से कटारिया को घर से बाहर निकालना है, इसीलिए किया गया है। लेकिन अगर आप चालाकी से वोट करेंगे तो फिर कटारिया बिग बॉस की ट्रॉफी ला सकते हैं। तो एल्विश ने क्या कहा है और बाकी लवकेश कटारिया के दोस्तों ने क्या कहा है, चलिए वो भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। भाई जो क्वेश्चन चल रहा है जियो सिनेमा पे कि किस कंटेस्टेंट को आप नहीं देखना चाहते, उसमें कटारिया को वोट मत करो भाई, तुम तो देखना चाहते हो ना कटारिया को, तो इस चीज में पढ़ के करो सारी चीजें, पढ़ के ऐसे नहीं अंधाधुंध कटारिया पे बटन दबाना, नहीं भाई। जय श्री राम भाई सभी को। भाई अभी ना टेक ओवर पे क्वेश्चन आ रखा है, किस नॉमिनेटेड सदस्य को आप घर से बाहर करना चाहते हो, तो भाई इसमें कटारिया भाई को सिलेक्ट नहीं करना, नहीं करना भाई इसमें, मतलब पढ़ो पहले क्या लिखा है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, किस नॉमिनेटेड सदस्य को घर से बाहर करना चाहते हो तो मत करो कटारे को वोट, मत करो भाई इसमें कटारे को वोट नहीं करना, जिस मर्जी को वोट करना उसको करो, बट कटारिया भाई को नहीं करना, ध्यान दो भाई ये इंपॉर्टेंट है, कटारे भाई को नहीं करना वोट। अगर आप कटारे भाई को वोट करोगे तो घर से बाहर हो जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ के कुछ भी करो भाई, बस ये जो ऊपर क्वेश्चन है उसको पहले ढंग से पढ़ लो उसके बाद वोट करो, कटारिया भाई को भी टेक ओवर में वोट नहीं करना, नो नो नो। जय श्री राम, जय श्री राम।